गुड मॉर्निंग, स्वागत है जी आपका एक नए फ्रेश ब्लॉग में। मैं हूं शशांक राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल SREM व्लॉग्स। पता तो चल ही गया होगा आज हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं चिंचुरा। तो चलिए आज मैं आपको इस जगह ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या क्या है वहाँ। इतना क्यूट डॉग है। हेलो हेलो हेलो, कितना क्यूटली बाहर देख रहा है। हाँ तो जी, कोलकाता से चिंचुरा, इसके बीच में डिस्टेंस है लगभग 70 किलोमीटर का। चिंचुरा का इतिहास 500-600 साल पुराना है। इसके बारे में डिटेल्स मैं वहाँ पहुँच के बताऊँगा। फिलहाल अभी मैं हूँ कोलकाता के विद्यासागर सेतु पर, मैं चढ़ने वाला हूँ प्रिंसेप घाट के पास। ये रहा सामने ब्रिज। इस ब्रिज को क्रॉस करते ही हावड़ा में मैं एंटर हो जाऊंगा। अगर नीचे जाते हैं तो आप बाबू घाट जा सकते हैं और सीधा जाएंगे तो हावड़ा ब्रिज के ऊपर। खूबसूरत ये, हम आ गए विद्यासागर सेतु। और नीचे है प्रिंसेप घाट। कितना खूबसूरत ब्रिज बनाया गया है ये देखिए। ये है हुगली नदी। यहाँ से तो दिख नहीं रहा है, थोड़ी बहुत दिख रही होगी, आगे से देखते हैं। ये देखिए हुगली नदी। कितना खूबसूरत ब्रिज है ये। अब ये कोलकाता से 70 किलोमीटर आप मैक्सिमम 2 घंटे में आप पहुंच सकते हैं कोलकाता से। आप हावड़ा से बस मिल जाएगी या फिर लोकल भी मिलती है हावड़ा से, सियालदा से, चिंचुरा स्टेशन है। ये है संतरागाछी स्टेशन, पहुंच गए हैं संतरागाछी। चलो भैया जाने दो हमें। कितनी सारी ट्रक्स खड़ी हैं दानकुनी में, बहुत ज़्यादा ट्रक्स रहती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फैक्ट्रीज है, बहुत सारी कंपनी है, तो यहाँ से लोड अनलोड होता है। ये कहाँ गए हम, बाइक चलाते चलाते। और यहाँ से 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर के बाद आएगा हमारा डेस्टिनेशन। ओह माय गॉड, कितना धुआं ही धुआं।
आग लगा दी है कि नहीं? कोई नहीं, तो फॉग हो गया, फॉग ना, अंधेरा क्यों है भाई? ये मैंने राइट टर्न ले लिया चूचूरा की तरफ। इस एरिए में सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। चूचूरा फेरी घाट इस रास्ते में स्ट्रेट में है। ये देखिए, ये तोप, पुराने जमाने का तोप। चुचुरा या चिंसुरा, सही सुना आपने, एक बहुत ही पुराना शहर जो अपने अंदर इतिहास समेटे हुए है। हुगली डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक छोटा सा जगह, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ। तो चलिए आइए, इस शहर के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या था इस शहर में। सबसे पहले मुग़ल काल की बात है, मुग़ल का दौर था। उसके बाद यहाँ पे पोर्तगुस आए, पोर्तगुस के बाद फिर यहाँ पे डच आए। डच 16-17 सेंचुरी में आए थे, 15-16 सेंचुरी में पोर्तगुस आए थे। डच सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहे थे करीब 18th सेंचुरी तक। उसके बाद इंग्लिश मैन आए, इंग्लिश मैन भी यहाँ पे रहे। तो ये सारा इतिहास मैं आपको बताऊँगा इस जगह के बारे में और यहाँ के क्रांतिकारियों के बारे में। यहाँ पे जो बंगाली क्रांतिकारी हुआ करते थे, जैसे कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कवि नजरुल इस्लाम और भी बहुत सारे थे। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पे ये लोग बैठते थे, रहते थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाता हूँ मैं संदेश्वर टेंपल, शिव टेंपल। ये चिंसुरा का नदी के किनारे किनारे ये रास्ता है। तो देखिए नदी वो, देखिए नदी है मेरे बगल में। अब आगे चलते हैं और दिखाता हूँ आगे और क्या क्या है यहाँ पे। अभी सामने में आएगा एक, ओह माय गॉड, ब्रेकर, मयूर पंखी घाट। चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ, मयूर पंखी घाट। कहो यार, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखो कितनी अच्छी कलाकृतियाँ बनी हुई है। गांधी जी के तीन बंदर, इस जगह को आप विजिट कर सकते हैं, अच्छी जगह है। ये भी एक घाट है, इसे कहते हैं मयूर पंखी घाट। यह है मयूर पंखी घाट, देखिए मोर की तरह बना हुआ है, इसको ही कहते हैं मयूर पंखी घाट। यहाँ पे आप चिल कर सकते हैं।
कितनी बड़ी नदी है, ह्यूज ह्यूज। ये आगे जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, इसीलिए इस जगह को ट्रेड सेंटर के लिए चुना गया था। चलिए अब आगे चलते हैं, तो देखते हैं और क्या क्या है। ये तो बंगला में लिखा हुआ है, नहीं तो मैं पढ़ देता। ओह माय गॉड, अगेन ब्रेकर, ब्रेकर ही ब्रेकर। खूबसूरत माहौल यहाँ पे जो रहते होंगे नदी के किनारे, सुबह उठो तो आपको नदी दिखेगी। कितने ब्रेकर हो भाई साहब, ये हैं बंकिंग भवन, है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इस जगह पे रह के ही इन्होंने लिखा था वंदे मातरम, वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग। बंकिम चंद्र चटर्जी एक की फिगर मगा 19th century। अभी ये गवर्नमेंट के अंदर अंडरटेकिंग में है, अंदर भी चलेंगे। पहले ये देखिए जगह कितनी खूबसूरत है, ये घाट देखिए सामने, नदी और ये घर। चलिए देखें, पूछें अंदर जा सकते हैं क्या। ये था हॉल, पुराने ज़माने का आर्किटेक्ट, कैसी छत बनती थी। सुफलाम सुजलाम, यहाँ पे सब बंगाली क्रांतिकारी लोग थे। इधर भी कितना सुखद एहसास होता होगा, पुराने ज़माने की खिड़कियाँ। तो ये था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी कह लें, उनका घर जहाँ पे उन्होंने वंदे मातरम लिखा था। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। बंकिम हाउस के बाद अब आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या छुपा है इस छोटे से जगह पे। यहाँ से चुचुरा फेरी घाट, अभी मैं जा रहा हूँ संदेश्वर महादेव टेंपल। हुगली मोहसिन कॉलेज, ये कॉलेज 1836 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था।
ये भी बहुत पुराना स्कूल है, 1852 में ये स्कूल बना था। ओह माय गॉड, कितना पुराना स्कूल है। अब मुझे जाना है, हम हैं चुचुरा के गलियों में। चुचुरा के गलियों में हम घूमें, ये क्या है, ये भी बहुत पुराना लग रहा है। इस मंदिर का भी एक अपना ही इतिहास है। यह है खूबसूरत सौंदेश्वर महादेव टेंपल, हर हर महादेव। अंदर में महादेव विराजमान है। ये जो शिवलिंग है, कहा जाता है कि दिगंबर हल्दर करके थे, उन्हें सपने में आया था। तो वो फिशिंग करने के लिए गए थे, सामने में हुगली नदी है, तो उन्हें मिला था आज से 400 साल पहले। तो ये मंदिर का इतिहास 400 साल पुराना है। तो चलिए आगे चलते हैं, दिखाता हूँ कहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुआ था दिगंबर हल्दर जी को। ये सामने देख रहे हैं, ये भी एक घाट है। इस मंदिर को कहते हैं चंदेश्वर महादेव मंदिर। कितना पवित्र वातावरण है, कितना खूबसूरत है। डच लोगों का शासनकाल यहाँ पे बहुत दिनों तक चला, लेकिन 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए, तो अंग्रेज़ डच को यहाँ से निकालना चाहते थे, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेड पॉइंट था। बे ऑफ बंगाल बगल में है, यहाँ से अलग अलग जगह पे यूरोप, एशिया के अलग जगहों पे यहाँ से ट्रेडिंग होता था, कॉटन का या बाकी और मसालों का। तो दोनों में एक ट्रीटी साइन हुई, जिसके अकॉर्डिंग अंग्रेज ने सुमात्रा आइलैंड, जो कि इंडोनेशिया में है, उसके एक्सचेंज में ये चुचुरा जगह को अपने अंडरटेकिंग में कर लिया और डच को सुमात्रा आइलैंड दे दिया। कवि नजरुल इस्लाम जो थे, वो एक वीकली मैगज़ीन निकालते थे 19वीं सदी में, जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था यहाँ पे। तो कवि नजरुल इस्लाम का जो मैगज़ीन था धूमकेतु, उसमें वो अपने क्रांतिकारी आर्टिकल्स लिखते थे, जिससे लोग प्रेरित होते थे अंग्रेज़ के शासन के ख़िलाफ़ एकजुट करने के लिए। तो जिस कारणवश जो है, अंग्रेज़ों ने कवि नजरुल इस्लाम को जेल में डाल दिया था, अलीपुर जेल कोलकाता में। उसके बाद उन्हें लाया गया यहाँ पे चुचुरा जेल में, यहाँ पे बहुत दिन वो यहाँ पे रहे। तो कवि नजरुल इस्लाम और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, ये दोनों की आधी ज़िंदगी इस शहर में ही बीती है।
के पूरे सिटी को मैंने आज एक्सप्लोर कर लिया। थोड़ी देर पहले मैं नदी के किनारे किनारे चल रहा था, अभी मैं मिड ऑफ सिटी में चल रहा हूँ। इधर से आप आएंगे जब कोलकाता से तो राइट ले सकते हैं और जा सकते हैं। मैंने घूम लिया और लेफ़्ट लेके अब वापस कोलकाता की तरफ मैं चल पड़ा। कानकुनी 27 किलोमीटर, मतलब मुझे अभी 10 ब्रिज का कोई काम चल रहा है। ओह माय गॉड, इतना ख़राब रास्ता आ गया बड़ू, बहुत ही ख़राब रास्ता था। धानकुनी यहाँ से 10 किलोमीटर है। ये सामने देख पा रहे हैं, ये है बेलूर मठ। खूबसूरत। जी हम आ गए अब हावड़ा ब्रिज पे, अब चढ़ेंगे हम। अभी मैं आपको हावड़ा स्टेशन अगर दिखा तो मैं दिखाऊंगा। तो लीजिए वापस घूम के आ गए हम वही हावड़ा ब्रिज पे, इसको क्रॉस करते ही कोलकाता में एंट्री और वहाँ से फिर घर। तो आज का राइड यहीं पे समाप्त होता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बाकी आप लोग कमेंट करें और बताएं हमें आपको इस ब्लॉग में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। अगर कुछ सजेशन है तो वो भी डालें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तो मिलते हैं आपको फिर से नए व्लॉग में, नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।